तो भाई लोगों इस तरह की ये मेरी पहली वीडियो है, तो देख लेना अपने हिसाब से, अगर बढ़िया लगती है तो शेयर कर देना। तो भाई कल मैं बैठा था अपने दोस्त के साथ और गर्मी इतनी पड़ रही थी, बहुत ही कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने कहा अपने दोस्त से चलो भाई चल के एक बार नहाया जाए। मेरा दोस्त बोलता भाई लाइट तो ऑन दे, फिर मैंने कहा हमारे यहाँ टंकी धरी है। और अब मैं बताता हूँ अपनी, तो सब लोग मुझे देख के क्या बोलते हैं कि अपने बाप का खा रहा है, तो मैंने उनसे पता क्या कही कि सब लोग है छोरा चिल करे, अरे हम चिल करे क्योंकि हमारा दिल करे, और जो उड़ा रहे अपने बाप का उड़ा रहे, खरा बाप कौन सा हमारे बिल करे। देखो भाई हम फ्री आदमी तो है ही, लेकिन जब भी मेरा दोस्त रोज फोन करके ये पूछता है कि हाँ भाई कहाँ है, तो हमारा जवाब क्या होता है, भाई मैं तो दुबई आ गया और यहाँ चारों तरफ ना मेरा रसन ही रसन घूम रही है, तो इनसे फुर्सत मिलेगी जब फोन करूंगा तुझे। मतलब उन्हें पता है कि शाम को अड्डा मारा यही है, फिर भी उन्हें फालतू की बकचोदी मारनी है बस। बात तो सही है। अब एक दिन की बात बताऊं, मैं दिन में सो रहा, दोपहर के 2 बजे कड़ी धूप में दोस्त का फोन आता, कह रहा भाई जल्दी आ जा हमने पेप्सी मंगा रखी है। मुझे आ रही थी बहुत तेज की नींद और मैं जल्दी से उठ के शहर पर पहुंचा अपने अड्डे पे, मगर लिया भाई पेप्सी कहाँ है, तो साले तीनों भाई कहते हैं 30-30 मिला के तीनों भाई 2 लीटर की पेप्सी मंगा लेते हैं। मतलब अगर 30 रुपए होते तो मैं तुम्हारे साथ पेप्सी पीता, अरे 10 रुपए और मिला के आधे लीटर की लाता पेप, और घर पे बैठ के अकेला पीता मौज में। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, ये गरीब की माँ की चूत क्यों बैठा है यहाँ पे भोसड़ी वाला। अरे एक दिन की और बताऊं, मैं चला गया कपड़े की दुकान पे, वहाँ मैंने कपड़े खरीदे तो 50 रुपए की कमी पड़ गई, मैंने अपने दोस्त को फोन मिला, मैं कहा भाई 50 रुपए कम पड़ रहे यार, तू जल्दी से भेज दे पेटीएम कर दे, तो कह रहा पहले पापा बोल। ओके शुक्रिया, थैंक यू।